हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं HSSC ग्रुप टी एग्जाम 2018 की। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप टी एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है। एग्जाम का टाइम क्या है, इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे और कैसे डाउनलोड करें? यदि आपके मन में भी ये सवाल हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको HSSC ग्रुप टी एग्जाम से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हरियाणा ग्रुप टी की एग्जाम डेट आ चुकी है। एग्जाम दो बैचों में होगा। 10 एवं 11 नवंबर को फर्स्ट बैच तथा 17 एवं 18 नवंबर 2018 को सेकंड बैच का एग्जाम होगा। प्रत्येक दिन एग्जाम दो शिफ्ट में होगा। पहली शिफ्ट सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 तक और दूसरी शिफ्ट शाम 3 बजे से 4:30 तक चलेगी। अब बात करें एडमिट कार्ड की, तो बता दूं कि फर्स्ट बैच के एडमिट कार्ड 29 अक्टूबर को इश्यू होंगे और सेकेंड बैच के 7 नवम्बर को जारी किए जाएंगे। हरियाणा ग्रुप डी के एडमिट कार्ड HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.wahin.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें? इसके लिए सबसे पहले आप HSSC की वेबसाइट www.hssc.gov.in पर विजिट करें। इसके बाद होम पेज पर एडवर्टाइजमेंट फॉर /2018 ग्रुप डी पोस्ट्स लिंक पर क्लिक करें। लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, वहां पर आप फिर से लॉगिन टैब पर क्लिक करें। अब आप अपनी लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड इंटर करें तथा साइन इन बटन पर क्लिक करें। आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर शो हो जाएगा, जिसे आप प्रिंट आउट कर लें। जो कैंडिडेट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वे अपना एडमिट कार्ड एवं एक फोटो पहचान पत्र परीक्षा के दिन अपने साथ लेकर जाएं। अन्यथा आप परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट आपको तुरंत मिल सके। और यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें। धन्यवाद।